हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना व किसी गलत कार्य को बढ़ावा देना नहीं है। अर्थात यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। केवल हमारा उद्देश्य है हंसते रहो और हंसाते रहो। हाँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे? ये बताओ मुझे, टेंशन क्यों ले रहे आप? जब मैं आपको कह दिया आपके बच्चे को मैं भारत का नंबर वन चोर बना दूंगा, एक नंबर की चोरी कर रहेगा, पूरे भारत में नाम होगा, चोरी चगारी सारे काले धंधे सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो भाई। एक बार आप 3 महीने की फीस जमा करा दो ये पूरे कोर्स की, बस आपका लड़का नू समझो चोर बन गया, ठीक है? और हाँ चलो चलो चलो, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है? माय क्वीन सर, आइए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जाओ बेटा खेलो तुम, मैं तुम्हारे सर से तुम्हारे एडमिशन की बात करती हूँ, जाओ बेटा खेलो। बैठिए। सर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना जी। कोई बात नहीं मैडम जी, हो जाएगा जी। कितने पैसे लगेंगे जी? जी मात्र 1500 रुपए, 3 महीने का कोर्स रहेगा। सर आप पैसे ज्यादा बता रहे हैं जी। जी अगर आपको पैसे ज्यादा लग रहे हो तो हम तक निकल सकते हैं, 10-5 रुपए कम दे दियो। नहीं नहीं जी, और कम करो जी। जी मैडम जी, इससे ज्यादा तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी अपने बीवी बच्चों की जेब काटनी पड़ती है और सॉरी पेट पालना पड़ता है। देख लो सर, जो बात बन जाए, बिन बाप का बच्चा है, इसकी जिंदगी सवर जाएगी। नहीं नहीं जी, इससे कम नहीं हुआ जी। मैडम जी देखो ना, 1500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, 1500 रुपए आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है। अच्छा जी, आने वाले समय में जब हमारे यहाँ कोचिंग कर लेगा ये 3 महीने पूरे कर लेगा, 3 महीने के बाद सीखेगा जब, तो आने वाले समय में, आज तो आप 1500 रुपए की बात कर रही हो, आने वाले समय में 15-15 हजार रुपए की जेब काटा करेगा दूसरे को। अच्छा जी, और हाँ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस हाथ की सफाई है जी। इसके आगे तो सारी नौकरी भी फैल है, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी फैल है। बताइए आप, रही बात मैडम जी पकड़े जाने की, आप वो टेंशन छोड़ दीजिए, हम इसको सब सिखा देंगे कि पुलिस वाले से कैसे खर्चा पानी सेट किया जाता है। जी मैडम जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बच्चे को नंबर वन चोर बना दूंगा। अच्छा जी सर, कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है जी? अच्छा मैडम जी देखो, पहले तो हमारे कोर्स का नाम सुनो, हमारे कोर्स का नाम है चोरी करना सीखे मत 90 दिनों में। और रही सब्जेक्ट की बात जी, हम बच्चे के 3 महीने लेंगे और 3 महीने में हम इन्हें सिखाएंगे। पहले महीने में तो हम इन्हें शिक्षित करेंगे कि शिक्षित चोर को एक शिक्षित होना भी अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पीछे से हमारे उसमें कुछ रिजल्ट ऐसे आए थे कि कुछ अशिक्षित बच्चे थे, अब वे चोरी करने चले गए, अब लाने थे उन्हें ATM मशीन पाड़ कर और वे ले आए फोटो स्टेट मशीन पाड़ कर। समझो बात को मैडम जी, कि बच्चे को पढ़ना लिखना भी जरूरी है। और मैडम जी हम दूसरे महीने बच्चे को सिखाएंगे कि हाथ की सफाई कैसे की जाती है और कब की जाती है, वह रात की चोरी कैसे करे, वह दिन दहाड़े चोरी कैसे करे, वह चलती बस में पर्स कैसे चोरी करे, जेब कैसे काटे, ज्वेलरी कैसे छीने, चैन कैसे तोड़े, गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल इनके बिना ताली के कैसे ताला खोले व ताला तोड़े आदि सिखाए जाएंगे। और मैडम जी तीसरे महीने में हम बच्चे को हाई लेवल की चोरी करनी सिखाएंगे, जैसे कि ATM चोरी करना और बच्चे चोरी करना या बैंक में लूट करना आदि, जैसे बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम कैसे दिया जाए। और मैडम जी हमारे यहाँ जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाएगी, जैसे कि सुल्फा पीना, गांजा पीना, अफीम खाना, बियर पीना, दारू पीना और जी ड्रग्स लेना, खाना पीना खरीदना बेचना आदि सारे काले धंधे हम इन्हें सिखाएंगे, केवल मात्र 1500 रुपए में मैडम जी। ठीक है सर, कल से आ जाएगा हमारा बच्चा। अच्छा जी, कोई ड्रेस व्रेस तो नहीं सिलवानी जी? ना जी ना, ड्रेस नहीं। आप एक काम करना, उसको एक रुमाल लेके भेज देना। ठीक है जी, मैं कल से रुमाल लेके भेज दूंगी।